फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड माय कंपनी टू यू एंड योर फैमिली एंड योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एवरीवन. आज तीन स्टॉक लाया हूं मैं, और पहला स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. देखिए, होजेरी वाले स्टॉक्स गजब के चल रहे हैं, और मैंने एक के बाद एक काफ़ी सारे स्टॉक्स को रेकमेंड किया है ऑन वेरियस सोशल मीडिया ऑल्सो एंड टीवी चैनल ऑल्सो. जी बिजनेस में मैंने रेकमेंड किया है, जेन साहब के जेम्स के हिसाब से भी. तो लक्स इंडस्ट्रीज देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है कंट्री का, और करीब 14% मार्केट शेयर है. और जो भारत की जो कंजम्पशन स्टोरी है, और जो रूरल इंडिया में जो अब पेनेट्रेशन इन लोगों का बढ़ रहा है, गजब का है. और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे. ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मर है. सेप्टेम्बर का जो रिजल्ट है बहुत ही गजब का था. पिछले सेप्टेम्बर के मुकाबले जो 68 करोड़ के लगभग था, इस बार 101 करोड़ का था इस सेप्टेम्बर में. और मुझे एक और चीज़ बढ़िया लगती है कि विंटर्स में वैसे भी इनकी और सेल बढ़ती है. और ओवरऑल देखें तो TTM बेसिस में 334 करोड़ का पैट है. तो 11,000 करोड़ की कंपनी है, 334 करोड़ का पैट है, और 36-37 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का. और पिछले 5 साल की, अगर 3 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 52% के लगभग है. तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और करीब 4550 का टारगेट. दूसरा स्टॉक है, अगेन एक बेहतरीन सेगमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स, एंड आई एम वेरी बुलिश. मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग मटेरियल्स वाला सेगमेंट अगेन बहुत गजब का करेगा, और एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स इस सेगमेंट में से निकाले. और अब जो स्टॉक मैं लाया हूँ वो है लेमिनेट्स वाली कंपनी, प्लाईवुड वाली कंपनी, जो कि मैंने पहले ग्रीन पैनल हो या ग्रीन प्लाई हो या सेंचुरी प्लाई हो, ग्रीन लैम हो, ये सारी दिए हैं. और इवन एक स्टाइलम इंडस्ट्रीज, अब मैं जो लाया हूँ वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गजब की कंपनी है, और डेकोरेटिव लेमिनेट्स में अच्छी ब्रांड है इनकी, और स्टाइलम बोल के है, और स्पेशलिटी सर्फेसेज और कई सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, जिस तरीके की ग्रोथ है, बहुत ही इंप्रेसिव है. पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर है 35%, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 41%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%. और बढ़िया बात यह है कि सितंबर के रिजल्ट जिसके भी बढ़िया रहे, लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहे हैं. डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कम चर्चित नाम है, और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन, मतलब चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो गजब का कंसोलिडेशन है. सो TTM बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी है, 65 करोड़ का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अगेन एक बहुत ही अनहर्ड नेम है, अनसंग हीरो है, एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड, जिस कंपनी को मैंने जनरली चैनल्स में भी बहुत कम बार रेकमेंड किया. एक बार शायद जैन साहब के जेम्स में किया था, और वहां से बहुत बड़ा मूव दिया, और अब उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया, क्योंकि मार्केट्स में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी करेक्ट किए हैं. तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब इन लेवल्स में बहुत अट्रैक्टिव हो गया. 176 का लेवल ऊपर दिखाया था, और अभी 118 के लेवल्स हैं, और मार्केट कैप सिर्फ 650 करोड़ की है. और देखिए, एमाइंस वाले स्टॉक, केमिकल्स वाले स्टॉक गजब का काम कर रहे हैं, और ये लोग गैस ट्रीटिंग सॉल्वेंट्स बनाते हैं, और ये केमिकल्स जो बनाते हैं जो ऑयल रिफाइनरीज में और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं. 50 अलग तरीके के ये एमाइंस एंड एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं, और मैं काफ़ी बुलिश हूँ एग्री इनपुट इंडस्ट्री पे. मुझे ओवरऑल लगता है कि ये बजट का भी समय आने वाला है, तो एग्री इनपुट्स, एग्रोकेमिकल्स ये बहुत बढ़िया करेंगे इंडिया में. और रिजल्ट्स देखिए आप, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से. अगेन TTM बेसिस पे भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स पे, 42 करोड़ के प्रॉफिट्स पे बैठी है. और अगर आप देखें तो मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, तो उसमें भी प्रोमोटर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग साइजेबल स्टेक है, दैट इज अराउंड 73%. तो इस स्टॉक को भी ले सकते हैं, 118 के लगभग ये बंद हुआ है, 150 का टारगेट. सो तीन स्टॉक्स में एक बार समाप्त कर देता हूँ. लक्स इंडस्ट्रीज जिसका टारगेट है 4550, और स्टाइलम इंडस्ट्रीज जिसका टारगेट मैं 1350 का देना चाह रहा हूँ, और एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर जिसका टारगेट है 150. सारे के सारे स्टॉक्स 6 से 9 महीने की अवधि के लिए, और अगर उससे भी ज्यादा जाए तो घबराना नहीं है. मार्केट से करेक्शन के साथ अगर कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं मुझे. डाउनसाइड में कहीं ना कहीं एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी ही सोचनी चाहिए. थैंक यू सो मच. और एक डिस्क्लोजर भी देना चाहता हूँ, ये हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हो, और आप भी स्टॉक्स को खरीदने के पहले अपनी रिसर्च जरूर से करें, और अपने अगर सलाहकार है तो उनसे भी पूछ के खरीदी कर सकते हैं.